Welcome students, NCERT online class. I am Mithun Sarkar, your online teacher, and I always come with these types of educational video related to a subject. So stay with your teacher. Student, last class we discuss from our chapter what is cooking, different types of methods that are used for cooking. Okay, today we will discuss about different fuels which are used for cooking and healthy and unhealthy food. Okay, healthy and unhealthy foods. Okay, so let's start, and this is very important from this chapter. So write the answer, note down with me. Student, always note down the answer from question. This is very good habits. We can write like this: some fuels which are used for cooking are, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सम फ्यूल्स व्हिच आर यूज्ड टू कुक फूड. ओके, डिफरेंट फूड, ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है, आंसर तुम्हें एक ही होगा. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो ज्यादा से ज्यादा एलपीजी अभी इस्तेमाल होता है हमारा घर में. देन चलो लिखो केरोसिन. केरोसिन कहाँ इस्तेमाल होता है? स्टोव में. ये ज्यादा से ज्यादा एलपीजी हम लोग, गैस खत्म हो जाता है जल्दी में, तो हम लोग स्टोव में केरोसिन भर के खाना पका सकते हैं. ओके, देन चलो लिखो वुड. ये गांव में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, वुड, लकड़ी. ओके, देन कोल भी इस्तेमाल होता है फ्यूल की तरह. ओके, देन काउ डंग, जो गांव में ज्यादा से ज्यादा काउ डंग केक कहते हैं इसको. ये तुम्हें पिक्चर देख देख के इसको समझ लो अगर तुम्हें नहीं पता, ठीक है. और हर चीज का पिक्चर में इधर राइट साइड में तुम देख सकते हो, इसको इस तरह से देख देख के याद करो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा. तो मैंने क्या लिखा, एलपीजी इसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, देन केरोसिन, वुड, कोल, काउ डंग केक. इसको काउ डंग केक कहते हैं. ओके, और भी कुछ फ्यूल इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ ये. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो. चलो ईंधन लिख लेते हैं. करंट के माध्यम से भी हम लोग खाना पका सकते हैं. हमारा हीटर भी होता है अभी हर घर में, करंट का जो इंडक्शन कुकर है, देन राइस कुकर है, देन इंडक्शन जो ओवन है उसके हिसाब से तुम इसको लिख सकते हो. तो चलो इसको लिखो. टुडे दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, देन वी विल राइट डिफरेंट क्वेश्चन. So note down this one also. Okay student, I will write number 2 here. You note down with me. Name some electrical appliance means जो घर में इलेक्ट्रिक मशीन है, जो किचन में इस्तेमाल अप्लायंस यूज्ड इन किचन. देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, नेम सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज्ड फॉर कुकिंग. ओके, और यूज्ड इन किचन फॉर कुकिंग, इस तरह से आता है.
आंसर सब एक ही होगा। ओके तो क्वेश्चन नोट डाउन करो, मैं आंसर निकालता हूं। चलो आंसर शुरू करते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक जो सामान है, जो किचन में इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं मिक्सर। ओके चलो इस तरह से नहीं, ट्रिक नहीं शुरू करेंगे, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अच्छा होगा। कभी कभी तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में भी आता है दो मार्क का, राइट सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नेम, तो उसको भी सेम आंसर तुम लिख सकते हो। ओके जब एक मार्क में आएगा तब ये लिखने का जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट उसको लिख सकते हो। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो तुम उसको नॉर्मली अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम अच्छे से लिख सकते हो। चलो मिक्सर, मिक्सर मशीन इस्तेमाल होता है कुछ मिक्सर करने के लिए। देन यू कैन राइट ब्लेंडर, ब्लेंडर एंड मिक्सर मशीन सेम टू सेम चीज है, ले थोड़ा बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके देन यू कैन राइट माइक्रोवेव, हम लोग इसको माइक्रोवेव कहते हैं। देन टोस्टर, ये भी इलेक्ट्रिक से चलता है। देन टी मेकर, कॉफी मेकर, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिखा है। देन यू कैन यूज राइस कुकर, जल्दी में राइस बनाने के लिए राइस कुकर इस्तेमाल होता है। ओके हम लोग रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज कहते हैं वो भी इस्तेमाल करता है, तो तुम इधर फ्रिज लिख सकते हो। एक्चुअली इसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं, तो मैंने फ्रिज लिखा है, ज्यादातर हम लोग फ्रिज से जानते हैं। तो ये सब चीज हमारा घर में इस्तेमाल होता है, सब घर में नहीं है, लेकिन जो मॉड्यूलर किचन है उसमें बहुत सारे ये इस्तेमाल करता है, मिक्सर मशीन, ब्लेंडर, माइक्रोवेव, टोस्टर, टी मेकर, कॉफी मेक, सॉरी ये सब आर है, कॉफी मेकर, सॉरी फॉर मिस्टेक, राइस कुकर, देन फ्रिज दैट मींस रेफ्रिजरेटर। ओके देन कभी कभी इलेक्ट्रिक ग्रिल भी इस्तेमाल होता है, तुम उसको भी लिख सकते हो। चलो इसको नोट डाउन करो। देन वी हैव वन पोर्शन लेफ्ट दैट इज रिलेटेड टू हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। ओके स्टूडेंट्स, आई राइट हियर थर्ड नंबर क्वेश्चन, आई रैप दिस प्रीवियसली क्वेश्चन टू सेव योर टाइम। Write the third portion. Write some healthy foods and unhealthy foods. This is our third part. Okay. So actually, students, foods तो foods ही होता है, ठीक है? लेकिन डॉक्टर ने मना करते कुछ खा food खाने के लिए, ज्यादा नहीं खाने के लिए, उसको हम लोग unhealthy कहते हैं। लेकिन you can eat, but मैं कहूँगा थोड़ा कम खाओ, ठीक है? चलो इसको answer लिखते हैं। ओके तो राइट लाइक दिस, सम हेल्दी फूड्स आर, देखो सारे के सारे फूड्स जो हम लोग खाते हैं ये सब हेल्दी होता है। देन वेजिटेबल, हमारा शरीर के लिए भी ये फ्रूट्स वेजिटेबल खाना अच्छा है। देन
मिल्क, हनी, देन घर में बना हुआ जो खाना है सारे के सारे हेल्दी फूड होता है, तो तुम उसको अच्छे से खा सकते हो। देन राइस, चिकन, मीट, फिश, पाल्स, पाल्स मीन्स दाल, देन यू कैन राइट बटर, और भी बहुत सारे खाना है जो हेल्दी फूड में आता है। ठीक है, जब तुम इसको देखोगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना सारे हेल्दी फूड होता है, बहुत सारे हेल्दी फूड होता है जो तुम खा सकते हो और लिख भी सकते हो। हम इधर कुछ कॉमन लिखे हैं, तुम और भी ज्यादा ज्यादा लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ठीक है, ओके चलो। देन और भी अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो। पीनट, आमंड, ये सब सारे के सारे हेल्दी फूड है, लेकिन और भी बहुत सारे है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। देन चलो इसको भी लिख लेते हैं। अच्छा, इसको नंबर वन करो, देन नंबर टू करो। साम अनहेल्दी अनहेल्दी फूड्स, स्टूडेंट्स फूड्स तो फूड्स ही है, यहां पर लिखा अनहेल्दी और ये हेल्दी फूड्स, ये सब हम लोग खाते हैं, लेकिन थोड़ा कम खाना अच्छा है। सबसे पहले देखो मैं क्या लिखाने वाला हूं, तुम सब पसंद करते हो ये सब, मैं भी ये कभी कभी खा लेता हूं। ओके, चॉकलेट, ये तो हम लोगों को बहुत अच्छा है, बहुत पसंद का खाना है, लेकिन हमको थोड़ा कम खाना चाहिए। ओके, देन चीज, देन आइसक्रीम, सब तुम्हारा पसंद का खाना है जो अनहेल्दी कहते हैं डॉक्टर ने। पास्ता, देन पिज्जा, देन एनर्जी ड्रिंक, दैट मीन्स हम लोग इसको कोल्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं। देन ऑल फास्ट फूड, फास्ट फूड, ऑल फास्ट फूड मीन्स बिरयानी, देन चाउमीन, एग रोल, देन डिफरेंट और भी जो फ्राई फूड है, फ्राइड राइस, ये सब फास्ट फूड कहते हैं, इसको अनहेल्दी फूड्स कहते हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना ठीक नहीं है। ठीक है, देन यू कैन राइट स्नैक्स, फ्राइड, फ्राइड फूड्स, देन डिफरेंट फ्राइड फूड्स में डिफरेंट चॉप होता है, देन सीप्स। देखो ये सब हम लोगों का पसंद का खाना है, लेकिन हम लोग इसको खाते भी है, लेकिन थोड़ा काम खाना अच्छा है। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो, मैं तुम्हें एक मिनट टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसको मिटाएंगे। स्टूडेंट, दिस ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज कम इन आवर एग्जाम। ओके, सो नोट डाउन प्रॉपरली एंड इसको पिक्चर के साथ साथ लिखो, तुम्हें अच्छा भी लगेगा पिक्चर देखने के लिए और तुम्हें अच्छी तरह से तुम समझ सकते हो ये कौन सा क्या है, तो इसको पिक्चर देख देख के पढ़ाई करो। और इस तरह से और भी क्लास तुम्हें रेगुलर चाहिए तो अगर तुम न्यू ये वीडियो देख रहे हो, चैनल देख रहे हो, तो तुम इसको सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, तो सारे के सारे क्लास नोटिफिकेशन तुम्हारे पास चला जाएगा, तो तुम सारे के सारे क्लास टाइम टू टाइम ले सकते हो। ठीक है।
ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू नोट डाउन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन प्रॉपरली ओके एंड इट इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडी सो दिस थ्री क्वेश्चन फॉर टूडेज क्लास ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू